काउंसिल जनरल बिलाल खान पाशा और सफीर अनकरा सहरिश सज्जाद काजी की खसूसी काविज से तुर्की के इस्तंबुल एयरपोर्ट से PIA की खसूसी परवाज मजीद 269 अफराद को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई है। मजीद तफसीलात आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। तुर्की में तैनात कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा और सफीर अनकरा सहरिश सज्जाद काजी की कोशिशें रंग ले आईं। तुर्की में फंसे मजीद 269 अफराद PIA की खसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिए गए। इससे पहले भी 194 मुसाफरों को पाकिस्तान पहुंचाया जा चुका है। आज जो है इस्तांबुल में जो पाकिस्तान फंसे हुए थे उसमें से 269 पाकिस्तानी आज इस्तांबुल से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं। हम जो है इस्तांबुल में मौजूद जनरल कौंसलेट जनरल बिलाल पाशा और 92 चैनल के बेहद मशहूर हैं कि जिनकी काविशों के जरिए ये आज पॉसिबल हुआ। पाकिस्तानी कौंसलेट की टीम ने तमाम अफराद को बाहिफाजत एयरपोर्ट पहुंचाया और इमिग्रेशन के मामलात को क्लियर करवाया। इनमें से बेशतर अफराद को पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से होटलों में ठहराया गया था और इनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा गया था। दुनिया भर की तरह तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इन पाकिस्तानियों को सफारतखाने की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम की गई, जबकि मुकामी फलाही तंजीमों ने भी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, तुर्की।